रियल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी PDF इमेज टू PDF ऐप क्या है और इसे आपको अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसे आपको अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करनी है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे, ऐसा एंटर पर जा सके तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप ऐसा एंटर पे जा जाएगा, एक छोटी सी ऐड आएगी, ऐड को सिंपली ऐसे क्लोज करना है। जैसे दोस्तों ऐड को क्लोज करेंगे एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होगी, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने कोई भी फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे PDF क्रिएट कर सकते हैं। PDF क्रिएट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लस का, प्लस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेज टू PDF। आप कोई भी गैलरी का फोटो लेके PDF क्रिएट करना चाहते हैं तो गैलरी से जो कोई भी फोटो का PDF क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट की PDF क्रिएट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के फोटो को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, आपको PDF क्रिएट करने के लिए कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ से आप जो कोई भी PDF की साइज देना चाहते हैं वो यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आप लॉक लगाना चाहते हैं PDF पे तो यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ऐसा एंटर पे जा जाएगा, यहाँ पे PDF क्रिएट होकर आ जाएगी। तो इसको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी यहाँ से PDF में आप इस एप्लीकेशन में सेव कर लेना है इस PDF फाइल को। यहाँ पर ऐड क्लोज आई, ऐड को मैंने क्लोज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF अपने सेव हो चुकी है। इस PDF को आपको अपनी किसी को शेयर करने के लिए आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस ऐप को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।